analysis and design of hydraulic structure. This is a subject in UPTU in BTech, you know. This type of fault was designed and developed for Sarda canal system of UP. Sandy clay overlines are stratum of pure sand. इसमें मेन रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, नंबर ऑफ फॉल्स विद स्मॉल ड्रॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं. नहीं, डेप्थ ऑफ कटिंग जो होती है वो हम कम से कम रखते हैं, और ड्रॉप की जो लेंथ है वो हम 0.9 मीटर से 1.8 मीटर तक रखते हैं. एक्सटेंसिव मॉडल एक्सपेरिमेंट वर देन कंडक्टेड एट हैदराबाद बोलो आर बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन. ओके, हमें मतलब शार्डा टाइप फॉल के लिए कि उसके डिज़ाइन के लिए किस कौन से मेन कंपोनेंट है, तो मतलब टाइप फॉल के लिए जो मेन कंपोनेंट है, पहला तो हमारा क्रेस्ट है, ठीक है, और दूसरा हमारा सिस्टर्न है, तीसरा हमारा इंपरवियस फ्लोर, चौथा हमारा है डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन. ओके, और पांचवा है अपस्ट्रीम अप्रोच. We cover various types of numerical, which is okay. These are the main component of Sarda type fault. Okay, crash system, impervious floor, downstream protection, upstream approach. ठीक है, इसमें दो तरह के डिजाइन है, एक तो रेक्टेंगुलर क्रेस्ट के लिए और एक है ट्रैपीजॉइडल के लिए. रेक्टेंगुलर में क्या होता है, और यही चीज़ हमें डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन ऑफ क्रेस्ट, ठीक है, उसके बाद क्रेस्ट का क्या लेवल है, लेंथ, इसमें हमें तीन चीज़ें डिज़ाइन करनी है, लेंथ, शेप हमें पता करना है, और लेवल, ठीक है. अब आ जाते हैं सिस्टर्न में. सिस्टर्न में हमें सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ सिस्टर्न में डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू द फुल सप्लाई लेवल एंड लो, ठीक है. वी फाइंड द हाइट ऑफ क्रेस्ट अबव बेड एंड आरएल ऑफ क्रेस्ट. ओके, सिस्टर्न का डिज़ाइन ये होगा. अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर. जो इम्परवियस फ्लोर होता है, एज यू स्टडीड अर्लियर इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, द टोटल लेंथ ऑफ इम्परवियस इम्परवियस फ्लोर जो होता है, ठीक है, उसके डिज़ाइन करना है. और टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे इम्परवियस फ्लोर की, वो हमें फाइंड करनी है बाय ब्लिक्स थ्योरी और खोसला थ्योरी. और मैक्सिमम सीपेज हमारा कितना मतलब मिल रहा है हमें, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड से टॉप ऑफ क्रेस्ट तक, ठीक है. देर लोग शुरू करते हैं, ठीक है. नाउ वी आर कंस्ट्रक्ट डायग्राम. ओके, एज यू सीन दिस इज अ केस ऑफ, दे आर टू केस, दिस इज रेक्टेंगुलर केस. ओके, दिस इज रेक्टेंगुलर केस and this is trapezoidal. Okay, there are two cases in the Sarda type fault. Okay, now we are start design. Okay, first step is design of crest.
व्हाट वी विल डू इन दिस के बराबर ये लेना, ठीक है, जितना इसकी विड्थ है, ठीक है, जितना इसकी विड्थ है उतनी इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। मतलब सिंपली जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी, सिंपली। ओके, ये कहने का मतलब है इस लाइन का। तो इसमें हमें क्या करना, लेंथ ऑफ क्रेस्ट इसकी इक्वल होगी हमारी बैड विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेंथ ऑफ द क्रेस्ट जो होती है हमारी वो इक्वल हो जाती है बैड विड्थ ऑफ कैनाल प्लस वाटर डेप्थ के साथ एट फ्यूचर डेट। अब सेकंड स्टेप क्या है इसमें हमारा, सेकंड स्टेप है हमारा शेप ऑफ द क्रेस्ट। अब हम कैसे शेप ऑफ द क्रेस्ट फाइंड करेंगे वो हमें पता चल जाएगा डिस्चार्ज से, ठीक है। इफ अगर डिस्चार्ज हमारा जो कि गिवन है 14 क्यूमिक से कम है तो वो हमारा रेक्टेंगुलर का केस होगा, ठीक है। अगर 14 से ज्यादा है तो ट्रेपीजॉइडल का केस होगा, ठीक है। ये हमारी बेसिक पॉइंट है, ये एक ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा। अब टॉप विड्थ हम क्रेस्ट की कैसे फाइंड करेंगे, तो टॉप विड्थ का फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू 0.5 रूट डी इन मीटर्स, ठीक है। और फिर बेस विड्थ ये हो गई हमारी टॉप विड्थ किसकी, क्रेस्ट की चल रही है बात, क्रेस्ट, ठीक है। बेस विड्थ क्या होगी हमारे क्रेस्ट की, जिसे हमने B1 से डिनोट किया है, H प्लस डी अपॉन रो, ठीक है। इससे हम निकाल लेंगे बेड बेस विड्थ। अगर हमारा मेसनरी क्रेस्ट दिया है, ठीक है, तो रो हमें इक्वल लेना है 2 के, ठीक है। इफ मैशनरी क्रेस्ट इज गिवन रो इक्वल्स टू 2 ले लेना, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होगा, क्यू इक्वल्स टू 1.835 एल एच 3/2 एच बाई बी कैपिटल एच बाई बी 1/6। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं, ठीक है। एच तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और दोनों में एच आ रहा है ये हो गया, ठीक है। अब बी हमारा गिवन होगा तो, और बी बी भी जो टॉप विड्थ होगी वो भी हमें गिवन होगी और हमें डिस्चार्ज भी पता होगा। तो उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, ये लेंथ, लेंथ ऑफ क्रेस्ट हम फाइंड कर लेंगे। क्यू जो है वो हमारा क्यू मैक्स में गिवन होगा, नहीं हो तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो भी बता दूंगा अगले लेक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ क्रेस्ट मीटर में, ठीक है। अब ट्रेपीजॉइडल का केस हमारा, हमें दोनों ही कवर करने हैं तो ट्रेपीजॉइडल भी कवर कर लूँ मैं। तो हमारी टॉप विड्थ क्या होगी ट्रेपीजॉइडल के केस में, बी इक्वल्स टू 0.5 रूट एच प्लस डी, ठीक है।
अब स्ट्रीम के लिए हम क्या लेंगे, स्लोप जो हमें दिया होगा और हमें पता होना चाहिए, अगर गिवन नहीं भी दिया हो तो आप एज्यूम कर लीजिएगा। अपर बैटर के लिए 1/3 और डाउन स्ट्रीम के लिए 1/8। ओके, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा दोनों में ही, फिर भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इधर 1.99 है उधर 1.835 है। एल एच 3/2 कैपिटल एच बाई कैपिटल बी 1/6। नाउ वी आर फाइंडिंग क्रेस्ट लेवल। क्रेस्ट लेवल कैसे फाइंड करेंगे, हम दो इक्वेशंस है, जो हमारी इक्वेशन थी क्यू इक्वल्स टू 1.835 एल एच 3/2 एच बाई 1/6, उससे भी एच हम फाइंड कर लेंगे, या फिर ट्रेपीजॉइडल का जो केस है हम उससे भी फाइंड कर लेंगे। हमें टॉप विड्थ दिया होगा, ठीक है, और हमें स्मॉल डी भी दिया होगा, ठीक है, जो डी है स्मॉल डी वो भी दिया होगा, हम उससे हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम रेक्टेंगुलर लेंथ निकालते हैं क्रेस्ट की, रेक्टेंगुलर लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपस्ट्रीम एफएसएल है उसमें से हम कैपिटल एच माइनस कर देंगे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो अपस्ट्रीम है ना उसमें से हम कैपिटल एच माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, रेक्टेंगुलर लेंथ निकल आएगी हमारी क्रेस्ट की, ठीक है, ये क्रेस्ट जा रहा है, अगर हम अपस्ट्रीम में से ये जो अपस्ट्रीम है ये माइनस कर देंगे तो हमें इतनी लेंथ मिल जाएगी इसकी, ठीक है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम बेड है, इसमें से हम कैपिटल एच माइनस कर देंगे तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है, इस लेंथ को निकालने के लिए ये रेक्टेंगुलर लेंथ है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर क्रेस्ट की हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ क्रेस्ट, आपको समझ में आ रहा होगा क्रेस्ट है क्या, बेसिकली क्रेस्ट ये है, ठीक है, जो हमारा फॉल हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, वाटर का जो फॉल हो रहा है अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन से डाउन स्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन तक, और जो उसमें हाइट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसे हम उस हाइट में से हम क्या है अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल से हम कैपिटल एच माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रेक्टेंगुलर लेंथ। अब हाइट कैसे निकालेंगे, अबव बेड स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस एच, कैपिटल डी समझ में आ रहा होगा आपको, ये इसमें से एच माइनस कर देंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, ये लेंथ मिल जाएगी, ये हमारी स्मॉल एच है, ठीक है, ये जो लेंथ है हाइट ऑफ क्रेस्ट अबव बेड जो निकाली हमने, अगर 1.5 से ऊपर है तो जो स्टेबिलिटी होगी हमारे क्रेस्ट की वो एक्चुअल एनालिसिस टेस्ट करती है, ठीक है। अब करते हैं डिजाइन ऑफ सिस्टर्न, ये स्टेप 2 है, डिजाइन ऑफ सिस्टर्न। अब सिस्टर्न ये सिंपल है, पहली चीज हमें
बस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेंथ ऑफ क्रेस्ट हुआ, शेप ऑफ क्रेस्ट हुआ, ठीक है, डिस्टार फॉर्मूला के थ्रू। और हमें ये भी पता करना है कि ये केस कौन सा, रेक्टेंगुलर है कि ट्रेपीजॉइडल है, ठीक है। तो इसे डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या है, क्या चीज़ देखनी है, लेंथ देखनी है, डिप्रेशन देखना है हमें सिस्टम का, जो कि हमें क्वेश्चन के थ्रू गिवन है, ठीक है। क्वेश्चंस कौन कौन सी हैं, एल एक्स इक्वल्स टू 5 EH, कैपिटल EH L 1/2, ओके, और एक्स इक्वल्स टू 1/4 ई कैपिटल ई इंटू HL 2/3, ठीक है। ये हो गई, हम इससे क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें करना है डिज़ाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर। जिस तो डिज़ाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर कर रहे थे हम, इसमें टोटल लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर जो है वो कैसे निकालेंगे, बाय ब्लिक्स थ्योरी, बाय ब्लिक्स थ्योरी और फोसला थ्योरी, ठीक है। लेटर आपको बताता हूँ किस तरह निकालते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम सीपेज हेड होता है हमें वो कब मिलेगा, जब अपस्ट्रीम साइड पर वाटर जो है टॉप ऑफ क्रेस्ट हो, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में कोई फ्लो ना हो रहा हो, अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में कोई फ्लो ना हो रहा हो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम सीपेज हेड मिलेगा। तो मैक्सिमम सीपेज हेड हमारा किस किसके इक्वल होगा, मैक्स हेड इक्वल टू डी होगा, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल इम्परवियस फ्लोर लेंथ। मिनिमम लेंथ को हम एल डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड कराएंगे टू द डाउन स्ट्रीम। तो इसके बाद जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, एल डी इक्वल्स टू 2D+1.2, ठीक है, प्लस एच एल इन मीटर, लेंथ है ना मीटर में होगा। एंड व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस, वी डिजाइन डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन, व्हिच वन इज बेड प्रोटेक्शन एंड सेकंड वन इज थर्ड साइड प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज डाउन स्ट्रीम विंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 4, वी आर डिजाइनिंग डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज बैड प्रोटेक्शन, वॉट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ड्राई ब्रेक पिचिंग अबाउट 20 सेंटीमीटर थिक। रेस्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर ब्लास्ट, दिस इज नोन एज बैड प्रोटेक्शन, ओके। एंड सेकेंड वन इज साइड प्रोटेक्शन इज वॉट, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज कमेंट, एंड दिस ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, ओके। व्हाट इज साइड प्रोटेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ वन ब्रिक ऑन एज, ओके, वन ब्रिक ऑन एज। ये कब प्रोवाइड की जाती है, आफ्टर वार्प्ड विंग्स, वार्प्ड विंग्स हैं उसके बाद, ठीक है। साइड पिचिंग जो है वो कर्टेल्ड होती है, साइड पिचिंग
तो जो साइड पिचिंग होगी वो हमारी कर्टेल्ड होगी एट 45 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द एंड पिचिंग इन प्लेन, ठीक है, 45 पे होगी। उसके बाद क्या होगा, जो साइड पिचिंग हमारी वार्ड होगी स्लोप्स है वो 1:1 और ठीक है 1 होगी या फिर 3/2 और 3/2 in 1, ओके। वन इंटू वन टू वन कंप्लीट हाफ वन हाफ ऑफ वन वन हाफ इन वन, ओके। द पिचिंग इज सपोर्टेड ऑन टू वॉल इज वन हाफ वॉल ब्रिक थिक एंड डेप्थ ऑफ डेप्थ इक्वल टू हाफ द डाउन स्ट्रीम डेप्थ, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम विंग जो होते हैं हमारे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम विंग जो होते हैं वो उनकी जो जो कि वर्टिकल होते हैं, डाउन स्ट्रीम विंग्स कैप्ड हैं वर्टिकली, ठीक है, ये वो कैप्ड कहाँ तक है, लेंथ जो होती है उनकी 5 to 8 times किसके होते हैं, ई रूट कैपिटल ई एच एल हाइड्रोलिक लेंथ, ठीक है। और जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 1:1 और 1/2 in 1, ठीक है, ये होती है हमारी सारी कैलकुलेशन। इसमें होता क्या है, जो एवरेज स्प्लेल है वो 1:2.5 to 1:4 फॉर अटेनिंग द रिक्वायर्ड स्लोप इज गिवन टू द टॉप ऑफ द विंग, ओके। जो डिज़ाइन की जाती हैं अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एलैबोरेट स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, स्टेबिलिटी कैलकुलेशन को छोड़ कर अगर हम बात करें तो जो विड्थ ऑफ विंग होगी किसी भी लेवल पर वो हमारी इक्वल होगी 1/3 ऑफ द हाइट अबव दैट लेवल, ओके। और हैवी वर्क्स के लिए जो एक्चुअल डिज़ाइन कैलकुलेशन है बनती हैं ये सारी, और फिर हम डिज़ाइन करेंगे स्टेप 5 डिज़ाइन अपस्ट्रीम अप्रोच। इसमें क्या होता है, अगर डिस्चार्ज हमारा 14 क्यूमिक तक है, ठीक है, तो अपस्ट्रीम विंग जो है स्प्रेड होता है, मतलब एक एंगल पे स्प्रेड होता है, वो एंगल है 45 डिग्री। अगर 14 से ज़्यादा हुआ तो सेगमेंटल जो हमारा अगर डिस्चार्ज हमारा 14 क्यूमिक से ज़्यादा हुआ तो विंग्स जो है उनकी जो रेडियस है वो हमारे इक्वल होगी 5 to 6 times एच की, ठीक है। तो फॉर डिस्चार्ज 14 क्यूमिक, ठीक है, अपस्ट्रीम विंग्स जो होंगे 45 डिग्री पे स्प्लिट होंगे, और फॉर ग्रेटर डिस्चार्ज इन केस ऑफ ट्रेपिडोडल, ओके, तो विंग्स की जो लेंथ होगी सेगमेंटल विद रेडियस
5 to 6 टाइम एच की होगी, ठीक है, एट 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है, एम्बैकमेंट इन द बम और अर्थ बैंक शुड बी मिनिमम ऑफ 1 मीटर का होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट डिज़ाइन हो गया। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।